नमस्कार, गुरु मंत्र शो में आप सभी का बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शीरीन और हमारे साथ हैं देश के सबसे बड़े गुरु एस्ट्रो साइंटिस्ट जीडी वशिष्ठ जी। गुरु जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। दाता खुशियां दे, सदा सुखी रखे। क्या आप अपने घर में परेशान रहते हैं? मानसिक और शारीरिक परेशानियों के साथ ही आर्थिक रूप से भी क्या आप परेशान हैं? अपने घर में शिफ्ट होने के बाद अगर ये लक्षण आपको दिखाई दे रहे हैं तो आज का ये शो आपके लिए ही है। आज गुरुदेव से जानेंगे आपका लकी घर कैसा होना चाहिए, राशियों के अनुसार आपके दिन का हाल तो होगा ही, और कौन से विषय होंगे ये भी जान लेते हैं। नए घर में शिफ्ट होने के बाद परेशानियां क्यों बढ़ जाती हैं, कौन सा घर आपके लिए लकी है और कौन सा घर अनलकी, अपने घर का लकी नंबर जाने, राशियों के अनुसार आपके दिन का हाल जानेंगे। शो की शुरुआत करने से पहले आपको याद दिला दूं, फेसबुक पर गुरु मंत्र पेज को लाइक कीजिए और गुरुदेव से सीधा अपने सवाल करिए, आपके सवालों का जवाब जरूर मिलेगा। साथ ही टीवी स्क्रीन पर जो ईमेल आईडी फ्लैश हो रही है उस पर मेल करिए, आपको इस शो पर कॉलर बनने का मौका भी मिलेगा। और अगर आप गुरुदेव से संपर्क करना चाहते हैं तो स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे नंबर्स पर कॉल करिए, इससे ज्यादा तरीके आपको और कहां मिलेंगे। गुरुदेव, पहला कॉलर ने, इससे पहले आपसे जानना चाहेंगे मेष, वृषभ और मिथुन राशि वालों का आज का दिन कैसा रहने वाला है। सबसे पहले बात करते हैं मेष राशि वालों की। मेष राशि वालों का दिन आज मिला जुला है, बड़ों का आदर करने में अग्रणी रहेंगे, कामकाज में भी शुभ फलों की प्राप्ति होगी, परंतु स्वास्थ्य के प्रति की गई लापरवाही कष्टदायक सिद्ध हो सकती है और धन का दुरुपयोग करने से बचना होगा। वृषभ राशि, वृषभ राशि वालों का भी दिन मिला जुला रहेगा, कामकाज में लाभ की प्राप्ति होगी, घर परिवार में कोई मांगलिक कार्यक्रम होने की संभावना है, पर बेमतलब किसी से विरोध का सामना करना पड़ सकता है और क्रोध की मात्रा अधिक रहेगी, थोड़ा धैर्य बना के रखें, दिन अच्छा जाएगा। मिथुन राशि, मिथुन राशि वालों का दिन आज कुछ खास अच्छा नहीं है, आज जो भी काम करेंगे दिल से तो जरूर करेंगे, परंतु घर में धन या स्वास्थ्य से संबंधित किसी न किसी को दिक्कतें आ सकती है और मानसिक तनाव बढ़ सकता है, और स्वभाव में नरमी बना करके रखें। गुरुदेव, आज हम घर की बात कर रहे हैं जहां हमारा एक अच्छा खासा वक्त बीतता है, ये कैसे जाने या फिर पहचाने कि घर हमारा लकी है या अनलकी, और ये होता कैसे? बेटा, आज आप सबको वो ज्ञान दिया जाएगा जिससे आपको किसी के पास जाकर के ये पूछना नहीं पड़ेगा कि ये घर मेरे लिए लकी है या अनलकी है, क्योंकि इस पूरे संसार में ही हर इंसान अलग अलग एनर्जी का बना हुआ है और कोई ना कोई एनर्जी उसकी प्रधान होती है। जैसे कोई सूर्य प्रधान होता है, कोई चंद्रमा प्रधान होता है, कोई मंगल प्रधान होता है, कोई शुक्र प्रधान होता है, कोई शनि प्रधान होता है। एक इंसान के अंदर एक ग्रह खास तौर पे बहुत बड़ी मात्रा का असर रखता है और उसी के अनुसार इंसान का कर्म डिसाइड होता है, यानी कि उसका कामकाज डिसाइड होता है और उसकी नेचर वो भी उसी के कारण डिसाइड होती है, उसकी फिजिक उसके कारण डिसाइड होती है, दुनियादारी की वर्किंग उसके साथ में डिसाइड होती है। तो बेटा, एक ग्रह वो कौन सा है जो आपका प्रधान है, ये आज आपको बताया जाएगा, आज भी और आने वाले कल को भी। और इसके अंदर खास तौर पर मैं आपको ये बताऊंगा कि किस तरह की आपकी एनर्जी है और कौन सा ग्रह प्रधान है और उसके अनुसार कितने नंबर के घर के अंदर आपको रहना चाहिए, क्योंकि अगर घर का नंबर आपके साथ में जुड़ा हुआ है तो आप उसमें तरक्की ही तरक्की करेंगे, और अगर कहीं अपनी जो विपरीत एनर्जी है, यानी कि जो आपका ग्रह है उसके दुश्मन ग्रह के नंबर के घर के अंदर आप जाकर के रहने लगे तो ये आपके लिए बहुत ही घातक हो जाएगा। आप बहुत मेहनत करके भी किस प्रकार से कोई रिजल्ट नहीं पा रहे, या मेहनत करते जा रहे हैं, काम चलता जा रहा है लेकिन पैसे घटते जा रहे हैं, काम खत्म होता जा रहा है, ये सब कुछ क्यों होता है ये आज आपको पता चलेगा। कौन से ऐसे घर हैं जिनके अंदर बच्चे बिगड़ जाते हैं, कौन सा ऐसा घर है जिसके अंदर बीमारियां बहुत आती है, ये आज आपको पता चलेगा, क्योंकि ये वाकई में एक बहुत बड़ा चैप्टर रहा है और ये खुद हम आए दिन देखते भी हैं कि जब भी इस तरह का बदलाव किसी इंसान के जीवन में होता है
जब वो गलत से सही में निकल के जाता है तो किस तरह से जिंदगी के अंदर तरक्की पाता है, और जब सही से गलत में जाता है तो किस तरह से गिरता है इंसान को पता ही नहीं चलता है। तो आज इसकी बात करते हैं बेटा। सबसे पहले मैं आपको बताता हूं बेटा, एक नंबर का घर, एक नंबर ये सूर्य प्रधान है, और इस घर के अंदर इंसान वही रह सकता है जिसका सरकारी कामकाज से कोई ना कोई वास्ता पड़ता हो। जो लोग नौकरियां करते हैं, जो लोग बहुत सारे लोगों को अपने पास रख करके नौकरियां देते हैं, समझे, और जिन लोगों को अपनी मनमर्जी से काम करने की आदत है और बिल्कुल डेडली काम करते हैं और दिन से लेकर रात तक वो ये नहीं देखते कि कौन सा अरसा, और अपने खाने को भी भूल जाते हैं, ऐसे लोगों के लिए एक नंबर का घर बनता है। और ये घर, जो घर के अंदर कमाने वाले शख्स हैं, जो पूरे परिवार को चलाते हैं, जो ज्यादातर पैसा कमा करके अपने घर के लिए खर्च करते हैं, ये उनके अनुसार हमेशा नंबर तय किया जाएगा, बाकी लोगों के अनुसार नहीं, ठीक है। और एक नंबर के लोग, जो अगर अपना परिवार वाला भी किसी के साथ अगर कोई कुछ गलत करता है उसके लिए भी जो लड़ पड़ते हैं कि नहीं, तुम हो तो मेरे अपने लेकिन तुम इस नौकर के साथ गलत कर रहे हो या इस पड़ोसी या रिश्तेदार के साथ गलत करते हो, जिनके इस तरह के भाव होते हैं, ऐसे लोग अगर एक नंबर के घर में रहें तो वो जिंदगी में बहुत तरक्की पाते हैं। एक नंबर कैसे डिसाइड होगा? मान लीजिए 1999 नंबर है, तो 1 और 9 10, और 10 9 19, और 1909 ये कितने हो गए 28, 8 और 2 10, यानी कि नंबर चाहे कितने भी लगे हों या सिंगल नंबर हो, इनका टोटल मिला के जब निकलता है, अगर एक निकलता है तो वो एक नंबर का घर होगा। समझे बेटा, ये एक नंबर के घर के अंदर अगर ऐसा इंसान रहेगा तो उसको बहुत संपत्ति मिलती है। और एक नंबर, 9 नंबर क्योंकि यह मंगल का नंबर है, समझे, और 5 नंबर क्योंकि यह बुध का नंबर है, ठीक है। 1, 9 और 5 नंबर के घरों में अगर इस तरह के लोग रहते हैं तो इनको जिंदगी के अंदर बहुत अच्छी तरक्की मिलती है, हर तरह की सुख समृद्धि मिलती है, बच्चों की तरफ से अच्छापन मिलता है, घर में बीमारियां नहीं आती और इज्जत दिन प्रतिदिन बढ़ती चली जाती है। तो इसलिए बेटा ये हो गए लकी नंबर। अब ऐसे ही लोग जिनके सरकारी कामकाज है, जो बहुत सारे लोगों को रख के अपने पास काम भी देते हैं, नौकरियां करते हैं, ठीक है, ऐसे लोग अगर 4 नंबर के घर में रहते हैं, 6 नंबर के घर में रहते हैं, ठीक है, तो उनके लिए बेटा बहुत ही बड़ी तकलीफें पैदा होती हैं, ठीक है। ऐसे में उनके ऊपर इल्जाम भी लग सकते हैं, ऐसे में घर में पारिवारिक सुख भी खराब हो सकते हैं और घर में बीमारियां बढ़ती चली जाएंगी, पैसा कहां जाएगा पता नहीं चलेगा, आए दिन नित नई तकलीफें आएंगी। और ऐसे लोगों के लिए 4 नंबर का घर तो खास तौर पे जहर की तरह होता है, क्योंकि ये राहु का नंबर है बेटा। इस घर के अंदर रहते हुए ये लोग जिंदगी के अंदर बदनामियां भी झेलते हैं, कहां से कौन सी मुसीबतें आ जाए इनको पता नहीं चलता, और पुलिस कोर्ट कचहरी या बेकार की मुसीबतों में उलझ करके ये दिन प्रतिदिन इनका डाउनफॉल चलता ही रहता है। तो इसलिए बचाव करें 4 और 6 नंबर से, और 1 नंबर वाले रहे 1, 5 और 9 नंबर के घर। गुरु जी, 1 नंबर वाले घर के लोग कैसे होते हैं, उन्हें किस तरह की परेशानियां होती है, इस बारे में तो आपने हमें बता दिया, लेकिन जो लोग 2 नंबर वाले घर में रहते हैं उन्हें किस तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, या फिर अगर हैं दिक्कतें तो कैसे दूर करें? 2 नंबर का घर यानी कि चंद्रमा बेटा, जो लोग बहुत इमोशनल हैं, अच्छे हैं, सबसे बड़ी बात कि जो लोग इस चीज के चाहवान हैं कि वो ज्वाइंट फैमिली के अंदर रहें और अपनों का सब कुछ करके चले, अपनों का सुख दुख उनका अपना सुख दुख हो, और जो चाहते यही हों कि कभी किसी से लड़ाई ना हो, बेमतलब के लाइफ के अंदर पंगे ना आए, पॉलिटिक्स से उनका दूर दूर के कोई वास्ता ना हो, पॉलिटिक्स कहने का मतलब जो आम जिंदगी के अंदर की जाती है, जैसे इसको कुछ बता दिया उसको कुछ बता दिया, जिसको ये सारे शौक ना हो, जो सीधा सीधा चलने वाला इंसान हो लेकिन बहुत ठहराव वाले दिल के साथ में, कोई दुकानदारी शोरूम या किसी प्रकार का बिजनेस करने वाला इंसान हो, उन लोगों को हमेशा 2 नंबर के घर में रहना चाहिए,
और जो लोग खास तौर पे अध्यात्म पे बहुत विश्वास करते हैं, जो लोग अपने परमात्मा की प्रति पूरी श्रद्धा रखते हैं, जो लोग हमेशा परमात्मा से अपने मन ही मन में ये मांगते हैं कि परमात्मा सबका भला कर लो, और जिनके मन में ईर्ष्या भाव नहीं पैदा होता, ऐसे लोगों को दो नंबर का मकान सदा ही बहुत ही अच्छा फल देता है। और ऐसे लोग खास तौर पे अपने माता पिता, अपने बुजुर्गों की बहुत ही ज्यादा कद्र करने वाले जो लोग होते हैं, और जो लोग अपने बच्चों को किसी भी सूरत में मारपिटाई करके नहीं, प्यार से समझा बुझा करके लाइन पे लाने की कोशिश करते हैं और उनका पूरा साथ भी देते हैं, लेकिन घर में संस्कारों को खास तौर पे अहमियत देते हैं, ऐसे लोगों को हमेशा दो नंबर के घर में रखना चाहिए। ऐसे लोग एक नंबर के घर, दो नंबर के घर इनमें तो रह सकते हैं, पांच नंबर के घर में रह सकते हैं और साथ ही नौ नंबर के घर में भी रह सकते हैं। इसके विपरीत आठ नंबर इस घर में बिल्कुल नहीं रह सकते ये लोग, आठ चार और छह नंबर के घर में ये लोग बिल्कुल नहीं रह सकते। गुरुदेव बातचीत का सिलसिला भी हम जारी रखेंगे, लेकिन अभी आपसे जानना चाहेंगे कर्क सिंह और कन्या राशि वालों का आज का दिन का हाल। कर्क राशि वालों के लिए दिन कुछ खास अच्छा नहीं है। कामकाज में मन मुताबिक सफलता तो मिलेगी, परंतु किसी को घर में स्वास्थ्य संबंधी दिक्कत भी आ सकती है। परीक्षा आदि में निराशाजनक परिणाम भी प्राप्त हो सकते हैं और शरीर में आलस्य की प्रधानता रहेगी। सिंह राशि वालों के लिए दिन उत्तम है। कामकाज अच्छा बना रहेगा, मन प्रसन्न रहेगा, मित्र या परिवार के साथ अच्छा समय भी व्यतीत करेंगे और यात्राएं भी संभव है। कन्या राशि वालों के लिए दिन कुछ खास उत्तम नहीं है। कामकाज में किसी के सहयोग से सफलता मिल सकती है। आज पढ़ाई लिखाई करने वाले बच्चों का पढ़ाई में मन नहीं लग पाएगा और स्वास्थ्य में उतार चढ़ाव भी देखने को मिल सकता है, इसलिए क्रोध पर नियंत्रण बना के रखें वरना दिन ज्यादा खराब हो सकता है। गुरुदेव, अब आपसे जानना चाहेंगे कि जो लोग तीन नंबर वाले घर में रहते हैं, इन लोगों के लिए किस तरह से अगर दिक्कतें आती हैं तो उसका समाधान क्या है? तीन नंबर यानी कि बृहस्पति। अब तीन नंबर का खेल बड़ा अजीब है बेटा, और वैसे भी कहते ना तीन तिगाड़ा काम बिगाड़ा। बृहस्पति यही एक ग्रह ऐसा है जो अच्छा हो तो मालोमाल और बुरा हो तो कंगाल, इसीलिए तीन नंबर और तेरह नंबर के घर से दुनिया डरती है। तीन नंबर के घर से क्यों डरती है? क्योंकि बृहस्पति है, और बृहस्पति इस धरती पर रहने वाले ज्यादातर लोगों का खराब होता है, ज्यादातर लोगों का। और तेरह नंबर क्यों कहा जाता है? क्योंकि तीन और एक चार, ये राहु है। जहां पर भी राहु खराब होगा, अगर वो उस घर के अंदर रहने चले जाए तो बेटा राहु का तो काम है दिमागी परेशानियां देना, और दिमागी परेशानियों में भूत प्रेत की वो करना कराना, लड़ाई झगड़े, कुछ भी सोच के कुछ भी कर देना, ये इसीलिए तीन और तेरह हर जगह लगभग वर्जित होता है। और कई तो दुनिया के होटल ऐसे हैं, कई संस्थान ऐसे हैं कि जहां तेरह नंबर को इस्तेमाल ही नहीं किया जाता, वहां पर कमरा ही गायब कर दिया जाता है, यानी कि कभी भी किसी कमरे को तेरह नंबर नहीं दिया जाता, इस तरह का है। तो बेटा तीन नंबर के लिए आज जो मैं आपको बताऊंगा ये बहुत ही सहजता से सुनने वाली बात है और अपने जीवन में उतारने वाली बात है बेटा। अगर आपके घर में बहुत अच्छे पढ़े लिखे लोग रहते हैं जिनकी पढ़ाई बहुत अच्छी हो रही है और निर्विघ्न हुई है, बिना अटके बिना फेल हुए, तो तीन नंबर का घर आपके लिए बहुत उत्तम है। अगर घर के अंदर बुजुर्गों की उम्र लंबी रही है, यानी कि कोई भी बुजुर्ग 75 साल की उम्र से पहले नहीं दुनिया से गया, तो बेटा तीन नंबर का घर आपके लिए बहुत अच्छा है। अगर आप अच्छे पढ़े लिखे भी हैं और परमात्मा में आपका विश्वास भी है और जो सांस्कृतिक काम होते हैं, जो सांस्कृतिक कार्यक्रम होते हैं, इनके अंदर आप खुद जाते हैं, शिकायत करते हैं और वहां जाकर के अपना जो सहयोग है वो भी अगर आप देते हैं, और अगर आपका काम किसी भी चीज को एनालाइज करके एडवाइस देने का अगर आपका काम है, तो तीन नंबर का घर आपके लिए बहुत ही उत्तम है। जो लोग बीमार व्यक्तियों के लिए बहुत कुछ करते हैं,
उनको सहयोग देते हैं, उनके लिए संस्थाएं खोलते हैं और जिन लोगों को अपने बड़ों से भी बड़े बनने का एक तरह का उनके अंदर मादा है, यानी कि उनकी मदद करके उनको एडवाइस दे करके उनसे भी बड़े बन जाना, बेटा ये लोग अगर तीन नंबर के घर में रहते हैं तो इनसे उत्तम चीज कोई नहीं हो सकती। लेकिन इसके विपरीत तीन नंबर के लोग और भी होते हैं पर वो खराब तीन नंबर के होते हैं। कैसे? जो लोग पढ़ाई लिखाई करते हैं उनकी पढ़ाई लिखाई टेंथ के आसपास ही खराब होनी शुरू हो जाती है और ग्रेजुएशन पूरी नहीं कर पाते। जिन लोगों की मैरिड लाइफ में बहुत प्रॉब्लम में रही हो और एक तलाक हुआ फिर दूसरा हुआ, कईयों के तो तीन तीन तलाक भी हो जाते हैं वो लोग, और जो लोगों को जुकाम की दिक्कत रहती है, जिन लोगों के पेट में से दर्द शुरू होकर के कमर तक जाता है और बढ़ती उम्र के साथ में उनके पांव बहुत ही भारीपन पे आ जाते हैं पानी भरने की वजह से, ये लोग जिनको स्वेलिंग की दिक्कत है, जिनको सांस की दिक्कत है, जिनको अस्थमा है, समझे, या जिनको टीवी कैंसर जैसी प्रॉब्लम में है, बेटा ये लोग अगर तीन नंबर के मकान के अंदर रहेंगे तो बहुत ही दुख पाते हैं, समझे। और जिन लोगों को खास तौर पे सिर्फ दिखावे की लाइफ ज्यादा पसंद है, यानी कि सुंदर कपड़े पहन के उन्होंने निकलना है, चाहे उनकी जेब अलाउ करती है या नहीं करती, लेकिन उन्होंने सुंदर कपड़े जरूर बनवाने हैं, उनकी जेब अलाउ करे ना करे लेकिन उन्होंने गहने जरूर बनवाने हैं, जिनको बहुत ज्यादा बन ठन के सोना पहन करके निकल के दिखाने की आदत है, ऐसे लोग अगर तीन नंबर के घर में रहेंगे तो बर्बाद हो जाएंगे और जिंदगी कभी भी स्मूथ नहीं चल पाएगी, या अपनों के साथ ही लड़ाई झगड़ा करके उसके बाद अपने हालात को स्वयं ही बिगाड़ते चले जाएंगे। अब जो मैंने अच्छे वाले हालात बताए हैं, उन अच्छे वाले हालात वाले जो लोग हैं वो तीन नंबर, दो नंबर, एक नंबर और नौ नंबर के मकान में अगर रहते हैं तो ये उनके लिए बहुत उत्तम है। लेकिन इसके विपरीत जिनका तीन नंबर खराब है, वो अगर एक नंबर, दो नंबर, नौ नंबर इनमें या फिर पांच नंबर के मकान में रहते हैं तो इनके लिए बेहद खराब है। तो बेटा इस तरह से डिसाइड करो कि आपको किस नंबर के मकान के अंदर रहना। गुरु जी, हम बातचीत को आगे बढ़ाएंगे, इस बीच एक दर्शक हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनसे हम सवाल ले लेते हैं। कुमुदलता शर्मा हमारे साथ अजमेर से जुड़े हुए हैं। कुमुदलता, क्या आप जानना चाहती हैं गुरुदेव से, लेकिन उससे पहले आप अपना जन्मतिथि, जन्म स्थान और वक्त क्या है आपके जन्म का, ये हमें बता दें। मेरी जन्म तारीख है 5/4/1968, सुबह 3:30 बजे, और मेरा जन्म स्थान है बयाना भरतपुर, डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है राजस्थान। मेरे घर में से बहुत परेशानी है, हम दोनों पति पत्नी कभी बनती नहीं है, एक छत के नीचे ही अलग अलग रहते हैं सर। बेटा जब तुम्हारी शादी हुई, शादी के इमीडिएटली बाद से ही तुम्हारी तकलीफें काफी स्टार्ट हो गई थी? जी हाँ सर, मतलब गर्भवती हुए तो हो गई थी, लेकिन पति को थोड़े सहयोग हुए थे, लेकिन अब नहीं है। अब नहीं है सर। तुम्हारे बेटा हो गया? हाँ, बेटा हाँ जी सर, दो बेटे हैं, एक बेटी है। बेटा तुम्हारी कुंडली के अंदर योग जो है मंगल बहुत खराब है। मैंने एक बार जब मंगल की जब बात हुई थी तो मैंने बताया था कि अगर पराक्रम भाव का मंगल खराब हो जाए तो जिस दिन शादी तय हो जाए, नहीं तो जिस दिन शादी हो जाए उसी के बाद कलेश की अवस्थाएं शुरू हो जाती है और एकदम से सब कुछ बिगड़ना शुरू हो जाता है। परिवार के साथ तो रिश्ते खराब होते हैं, धीरे धीरे करके कामकाज भी खराब होते हैं और ऊपर से तुम्हारी कुंडली के अंदर ये मंगल तो बद है ही, एक केतु भी बहुत खराब। इस केतु का काम ही यही है कि घर के अंदर टेंशन देने लेने वाली बीमारियों को इकट्ठा करना और आए दिन बेमतलब के क्लेश पैदा करना, जिसका भला करो उसी के पास से जूते खिलाना, जिंदगी के अंदर फ्लक्चुएशन चालू रखना और शुक्र बुध का लग्न के अंदर बैठ के बृहस्पति पे दृष्टि डालना गृहस्थी को रेत के पहाड़ की तरह बना देता है, जो कि बिल्कुल खत्म ही होता चला जाए और धीरे धीरे करके पहले परिवार के सुख खत्म और बाद में गृहस्थी के सुख भी खत्म। और ऐसी अवस्था के अंदर फाइनेंशियली हालात भी बहुत ज्यादा अच्छे नहीं रहते, धन के लिए भी कोई ना कोई कमी बनी रहेगी और तुम घर में जब भी खुशी मनाओगे कोई ना कोई मुसीबतें आएंगी आएंगी। तो बेटा इसका इलाज सबसे पहले एक काला सफेद कंबल लेके अपने सर से 7 बार उतार के बेटा उसे वीरान जमीन के अंदर दबा, और दूसरा मिट्टी के लोटे में देसी खांड भर के उसके ऊपर ढक्कन लगा के उसको वीरान जमीन के अंदर दबा के आओ
और फिर हर मंगलवार को 8 गुड़ की रोटी तंदूर में लगवा के कुत्ते और कौओं को डालो। इसके अंदर गुड़ की चाशनी पहले बनानी होती है। गुड़ की चाशनी बना के इतने ही आटे में गोंदना होता है जिसमें कि 8 पेड़े बन जाए, क्योंकि इससे फालतू नहीं बना सकते। ये ध्यान रखो, चांदी ज्यादा से ज्यादा अपने तन पे धारण करो और फिर अब एकाग्र हो जाए। वो यहां पर बृहस्पति को चंद्रमा की मदद देना और शुक्र और बुध की दृष्टि से निजात दिलानी बहुत जरूरी है। इसके लिए तांबे के लोटे में चावल और चने की दाल भर के हर सोमवार या बृहस्पतिवार कोई भी एक दिन चुन लो बेटा, ये मंदिर के अंदर देती रहा। मात्र इतना सा कर्म करके देख, इसी में तेरी गृहस्थी के हालात भी अच्छे होंगे, घर में से बीमारियां भी निकलेंगी और पैसे की आमद भी तेरे घर पे अच्छी आएगी। ये करो और सुखी रहो। अभी वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन ब्रेक पर जाने से पहले जान लीजिए गुरुदेव जीडी वशिष्ठ की मुहिम के बारे में। अगर आप पढ़े लिखे बेरोजगार हैं, आप रिटायर हो चुके हैं या फिर आप हाउसवाइफ हैं और पैसा कमाना चाहते हैं तो एस्ट्रो आर्मी से जुड़े, जिसमें ऑनलाइन ट्रेनिंग के बाद आप हर महीने लाखों रुपए तक कमा सकते हैं। एस्ट्रो आर्मी में जुड़ने के लिए रजिस्ट्रेशन करवाएं और इसके लिए नीचे दी जा रही वेबसाइट astroarmy.com पर अभी लॉगिन करें और अपना भविष्य बेहतर बनाएं। आज हम बात कर रहे हैं आपके घर के लकी नंबर की। ब्रेक के बाद हम पहला सवाल लें, इससे पहले जान लेते हैं तुला, वृश्चिक और धनु राशि वालों का आज का दिन कैसा रहेगा। तुला राशि वालों के लिए आज दिन उत्तम है। कामकाज में बरकत होगी। परिवार की तरफ से मिलने वाले सुख में वृद्धि देखने को मिलेगी। बड़े बुजुर्गों की तरफ से सही मार्गदर्शन प्राप्त होगा। वृश्चिक राशि वाले अगर आज अपने स्वास्थ्य का थोड़ा ध्यान रखें तो दिन बहुत ही उत्तम है। परिवार के साथ किसी यात्रा पर जाने की संभावना भी बनेगी। कामकाज के प्रति नवीन उत्साह मन में वो बना रहेगा और रुपए पैसे की तरफ से भी बरकत के हालात होंगे। धनुराशि वालों का आज दिन बहुत ही उत्तम है। आज भाग्य आपका साथ देगा। प्रत्येक कार्य में सफलता मिलेगी। मित्रों के साथ अच्छा समय व्यतीत करेंगे। जिम्मेवारियों का निर्वाह अच्छे ढंग से करेंगे। गुरुजी, बात चार नंबर वाले जो घर में लोग रहते हैं उनकी कर लेते हैं। उनकी भी अगर परेशानियां हैं तो उसकी समस्या का समाधान आप बताएं। चार नंबर जिसे तारे उसे कौन मारे, और चार नंबर जिसे मारे उसे कौन तारे, कि यानी कि ये एक ऐसा डिसीजन का नंबर है बेटा। ये है राहु प्रधान। जो लोग टेक्नोलॉजी से संबंधित काम करते हैं, चाहे वो लेजर का काम करें, सॉफ्टवेयर बनाने का काम करें, किसी भी तरह के हथियारों का काम करते हों, कई लोग जेलर होते हैं या जेल के अंदर जिनकी ड्यूटी होती है, समझे, और जिनकी नहीं तो बड़ी बड़ी फैक्ट्री इंडस्ट्री लगी हुई होती है, और ये अगर बिल्कुल स्मूथ चल रहा है, ठीक ठाक चल रहा है और इनमें अगर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आती, तो ऐसे लोग अगर चार नंबर के मकान में रहते हैं तो उनको बहुत ही बेनिफिट होते हैं। और चार नंबर के मकान में रहने वाले लोग अगर किसी भी चीज की रिसर्च करते हैं और रिसर्च करके नई नई चीजें बनाना, इजाद करना और उनको मार्केट करके चलाना, अगर इस तरह के कोई काम करते हो तो चार नंबर का मकान बहुत ही बेहतरीन है बेटा। और ऐसे में लोगों का दिमाग बहुत शार्प होता है, शरीर ज्यादा अच्छा हो ना हो, ऐसे लोगों को चार नंबर का मकान बहुत अच्छा सूट करता है। इसके विपरीत जो लोगों के खानदान में कोई भी मेंटली रिटायर्ड अगर कोई रहा है, या जिन लोगों को बेमतलब के विचार जिनके दिमाग में हर वक्त चलते ही रहते हैं और उसके कारण गुस्सा, इरिटेशन, फ्रस्ट्रेशन रहती है, जो लोग कोई भी आध्यात्मिक सात्विक कार्य तो कर रहे हैं, उन लोगों को खास तौर पे चार नंबर के मकान में नहीं रहना चाहिए। और जो लोगों को यही टेक्नोलॉजी, इंडस्ट्री और या हथियारों के काम या लेजर वगैरह के काम या करंट के किसी भी तरह के काम इनके अंदर, या फिर ये जो आप वाईफाई वगैरह देखते हैं आजकल या केबल टीवी नेटवर्क वगैरह देखते हैं, इनके अंदर अगर काम के अंदर नुकसान हो चुका है और हो रहे हैं, ऐसे लोग अगर चार नंबर के मकान में रहते हैं तो बेटा इनको बहुत ही तकलीफों का सामना करना पड़ेगा और ये लोग यहां पर बिल्कुल बर्बाद भी हो सकते हैं, क्योंकि हर ग्रह का एक शुभ और एक अशुभ रूप होता है और खासतौर पर बृहस्पति और राहु इसके लिए खास तौर पर जाने जाते हैं।
अब ऐसी अवस्था के अंदर जिनके काम इन मकानों में चलते हैं बेटा, उनको 4 नंबर का मकान, 7 नंबर का मकान, ठीक है, और 8 नंबर का मकान बहुत ही अच्छा सूट करेगा। और जिनको ये काम बिल्कुल नहीं चलते, उनको 4, 7 और 8 नंबर के मकान से दूरी ही बनाकर के रखनी चाहिए। इस चीज का खास तौर पर ध्यान रखें। अगर वो दूसरे ग्रहों की शरण में जाते हैं तो फिर भी सुख पा जाएंगे, लेकिन इसमें तो बहुत ही बुरे हालात होंगे। इसमें एक और बहुत अहम बात है कि जिन लोगों को ये टेक्नोलॉजी के काम सूट नहीं करते, वो लोग 6 नंबर के मकान में भी नहीं रह सकते, और जिनको ये सूट करते हैं वो 6 नंबर के मकान में और भी अच्छी तरक्की पा सकते हैं। सुख देता खुश। गुरुदेव, बातचीत को हम आगे बढ़ाएंगे, लेकिन अभी हम आपसे जानना चाहते हैं मकर, कुंभ और मीन राशि वालों का आज का दिन कैसा रहेगा। मकर राशि वालों का भी आज दिन काफी उत्तम है। आज के दिन आपको अपने भाग्य से हर संभव सहायता मिलेगी, परिवार का उत्तम सहयोग मिलेगा, मन में जोश और चुस्ती बनी रहेगी, किसी मांगलिक कार्यक्रम में जाने की योजना भी बन सकती है। कुंभ राशि, आज दिन ज्यादा अच्छा नहीं है, इसीलिए सबसे पहले आज क्रोध ना करें। आज यात्राएं भी हो सकती हैं, परंतु बेवजह के वाद विवाद में फंस सकते हैं। आपको या परिवार के किसी सदस्य को स्वास्थ्य से संबंधित परेशानियों का सामना भी करना पड़ सकता है। मीन राशि वालों को आज बहुत ही सहजता से चलना पड़ेगा, ध्यान रखकर, क्योंकि आपको परिवार का सुख तो मिलेगा परंतु किसी परिचित व्यक्ति के द्वारा ठगे जाने की संभावना का दिन आज ज्यादा है। मन अशांत रहेगा, गुस्सा अधिक बढ़ेगा और स्वास्थ्य में भी कोई परेशानी बन सकती है। गुरुजी, एक और दर्शक हमारे साथ जुड़ गए हैं इंदौर से, मनीष कुमार, उनका सवाल भी हम ले लेते हैं। मनीष, आप क्या जानना चाहते हैं गुरुदेव से, लेकिन उससे पहले आप हमें अपना जन्म स्थान, जन्म तिथि और जन्म का समय क्या है वो बता दें। मेरा जन्म तिथि है 3 अक्टूबर 1983, जन्म समय है शाम 7:05 और जन्म स्थान है रायगढ़ छत्तीसगढ़। गुरु जी, मैं जानना चाहता हूँ कि एक तो मेरी शादी नहीं हो रही है, शादी कब होगी, और दूसरे नौकरी में बहुत परेशानी आ रही है, बार बार नौकरी छूट जाती है, तो नौकरी मेरी नहीं लगी है, 6 महीने से मेरे को जॉब नहीं मिल रहा है, कब जॉब मिलेगा मेरे को। बेटा, तुम्हारी कुंडली के अंदर एक योग है बहुत ही खराब, और वो है सूर्य और शनि का मेल, जो तुम्हें अपनी कुंडली के अंदर सूर्य 6ठे घर में और शनि 7वें घर में नजर आएगा, लेकिन बेटा ये सूर्य शनि 6ठे घर में इकट्ठे बैठे हुए हैं, ये बहुत ही खराब योग है। और इस योग के अंदर मंगल बद हो जाता है, और जब मंगल बद हो जाता है तो शादीशुदा जिंदगी में पहले डिले होता है और बाद में कई बार तो होती ही नहीं शादी, और अपने अंदर गुस्से की मात्रा रहती है, और जब 5वें घर के साथ में इतने ग्रहों का संबंध बन जाए उस वक्त में जॉब के अंदर स्टेबिलिटी के योग ही कमजोर होते हैं और कामकाज की जगह पे सदा ही परेशानियां चलती रहती हैं, ठीक है। ये कुंडली तुम्हारी साफ तौर पे यही बता रही, और इसके बाद में राहु देव का धन भाव के अंदर होना ये साफ दिखाता है कि घर का पैसा बेमतलब की चीजों के ऊपर खर्च होता चला जाएगा, धीरे धीरे करके ये पैसे को बिल्कुल बेकार करके दवाइयों का दौर ज्यादा से ज्यादा घर के अंदर ले आएगा, और आगे चल के जब भी मकान बनाओगे, रेनोवेशन करोगे, उसके बाद कोर्ट कचहरी या हॉस्पिटल कहां धक्के खिला दे इसका कोई भरोसा नहीं, इसीलिए बेटा पहले इसका इलाज करो। ये अगर इलाज हो गया तो जॉब भी अच्छी चलेगी, शादी भी हो जाएगी। उपाय है 6 दिन लगातार 6 मिले फूल सांझ के समय वीरान जमीन के अंदर दबाना। दूसरा उपाय है बेटा 43 दिन लगातार 4 पीले नींबू बिना दाग के लेकर के उनको मंदिर के अंदर देना। और तीसरा उपाय, यहां पर मंगल और बुध का करना बहुत जरूरी है, यानी कि तांबे के लोटे के अंदर मूंग साबुत भर के ढक्कन को पीतल का टांका लगवा करके 9 दिन लगातार जलप्रवाह करना, और ये तुम्हें हर जन्मदिन के आसपास हर साल करना पड़ेगा। अगर ये उपाय नहीं करोगे तो मैरिड लाइफ के सुख और कामकाज में परेशानी दोनों चलेगी। अगर तुम चाहते हो कि जिंदगी ज्यादातर बिना मुसीबतों के गुजर जाए और बार बार तुम्हें उपाय ना करने पड़े, तो बेटा पूरा काला कुत्ता, ऐसा काला कुत्ता जिसके अंदर एक डॉट भी किसी और रंग का ना हो, अगर पूरा काला कुत्ता बेटा तुम अपने घर पर पालते हो तो तुम्हारी आधी से ज्यादा मुसीबतें इसी के अंदर खत्म हो जाएंगी और जिंदगी सारी निर्विघ्न चलेगी और आगे शादीशुदा जिंदगी भी बहुत अच्छी। ताता सुख दे।
आपको याद दिला दूं कि टीवी स्क्रीन पर जो ईमेल आईडी फ्लैश हो रही है उस पर आप हमें मेल करिए, आपको इस शो पर कॉलर बनने का मौका मिलेगा। और अगर आप गुरुदेव से संपर्क करना चाहते हैं तो स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे नंबर पर फोन करिए। गुरु जी, इस वक्त एक और दर्शक हमारे साथ अपने सवाल के साथ जुड़ गए, उनका रुख कर ले रहे हैं हम। जसविंदर सिंह है हमारे साथ पटियाला से। जसविंदर जी, अपना जन्म स्थान और जन्म की तिथि, साथ ही जन्म का समय बताएं, उसके बाद गुरुदेव से अपना सवाल करें। डेट ऑफ बर्थ है 14 मई 1955 और टाइम है 12:02 PM दोपहर के, और जन्म स्थान पटियाला ही है। गुरु जी, एक्चुअली पिछले 2 साल से मैं बहुत बीमार चल रहा हूँ। मेरे बाईपास सर्जरी भी हुई थी, इसके बाद मेरे पेसमेकर भी पड़ गया। तुम्हारी कुंडली के अंदर राहु 5वें स्थान के ऊपर बैठ के मंगल के ऊपर दृष्टि डाल रहे हैं। जब भी राहु की दृष्टि मंगल पे पड़ जाती है तो इंसान की इम्यूनिटी अपने आप कमजोर होती चली जाती है और हालत उसकी खराब होती है। पहले तो इम्यूनिटी कमजोर कर दी, फिर उसके बाद में जन्म कुंडली के 10वें घर, तुम्हें अपनी कुंडली में 11वें घर में बुध नजर आएगा, लेकिन जन्म कुंडली के 10वें घर के अंदर बैठा हुआ ये बुध तुम्हारी कुंडली में 12वें घर के साथ में और 3रे घर के साथ में कंसान है, यानी कि 10, 12, 3 सदे। और 12, 3 जब भी जुड़ते हैं तो दवाइयों के ऊपर धन खर्च होता है, पैसे के नुकसान होते हैं और नसों के अंदर या तो कोई घाव, कोई स्त्राव इस तरह का बनता है जो नित नई मुसीबतें पैदा करता है और इंसान को घर्षण से होने वाले जो जख्म है उनकी वजह से प्रॉब्लम में बहुत बड़ी देता है। पहले तो राहु ने इम्यूनिटी को कमजोर कर दिया और ऊपर से बुध ने नसों के अंदर खराबी देकर के तुम्हारे लिए खराब हालात पैदा कर दिए। ये हुए कब होंगे मैं तुम्हें ये भी बता देता हूं। बुध के घर में बैठे हुए खराब शनि यानी कि मकान बनाने के बाद दवाइयों का लगातार दौर शुरू होना, काम की सेटिस्फेक्शन का खत्म होना, खर्चे बढ़ जाना, तुम जिम्मेवार उठाने वाले इंसान हो यह बात सत्य है, लेकिन इसकी शुरुआत तुम्हें जब यह जुकाम रहना शुरू हुआ होगा, सर्दी जुकाम की प्रॉब्लम आई होगी, वहां से यह पूरी तरह से शुरू होगी। इसको ठीक करने के लिए बेटा तुम्हें क्या करना चाहिए लिखो। सबसे पहले बेटा 5 दिन लगातार अपने वजन के 10वें हिस्से के जौ जल प्रवाह करो, ये सबसे पहला उपाय था। दूसरा, 1 किलो जौ दूध के साथ धोके लाल कपड़े में लपेट के घर के अंधेरे कमरे में वजन के नीचे दबा दो। और तीसरा, आज के बाद तुमने खाना घर की रसोई में चाहे खड़े होके खाओ चाहे बैठ के खाओ, लेकिन सिर्फ रसोई घर में खाना खाना है जहां चूल्हा जलता है उसके आसपास। फिर उसके बाद में शनि के लिए तुम्हें 5 शनिवार लोहे के कटोरे के अंदर सरसों का तेल भर के उसमें मुंह देख करके जो आके का पौधा होता है उसके ऊपर चढ़ाना है। ये 5 शनिवार करना है, लेकिन 5वें शनिवार जब तुम ये सरसों का तेल चढ़ाओगे उसके बाद उसी आके के पौधे की जड़ में थोड़ा सा खड्डा खोद के उस जो कटोरा है लोहे का वो वहीं पे दबा देना। एक तो ये, अब आ गया बुध। यहां से बुध को निकालना बहुत जरूरी है बेटा। उसके लिए 43 दिन लगातार हरे रंग के कोई कपड़े या चुनिया वगैरह ले लो, साथ में उड़द साबुत उसमें रख लो और साथ में एक कांसे का कटोरा भी ले लो बेटा। ये 27 दिन लगातार बेटा चाहे तो ये किन्नरों को दान दे दो, चाहे कन्याओं को दान दे दो, लेकिन ये दान देना बनता है तुम्हारा। और अपने घर से समझे शंख, सीप, कौड़िये, ढोलकी, तबला, सितार, गिटार, मनी प्लांट, रबर प्लांट, तुलसी, इनमें से जो भी चीज हो इसको निकाल दो और हरे और नीले रंग से सख्त अपना परहेज बना लो। चांदी ज्यादा से ज्यादा अपने तन के ऊपर धारण करके रखो इनका। और मूलिये, गाजर, शलगम, जितने दान देते चले जाओगे इम्यूनिटी उतनी बढ़ती चली जाएगी और एकदम से परमात्मा की दया से सब कुछ ठीक हो जाएगा। ठीक है, खुश चले सख्त। तो अब शो खत्म होने को है, लेकिन हमेशा की तरह गुरुदेव से हम गुरु मंत्र जरूर लेंगे। गुरु जी, आज हमारे दर्शकों के लिए खास गुरु मंत्र क्या होगा? बेटा, आज का खास गुरु मंत्र एक ही है, क्योंकि यहां पर नंबरों की भी बात चल रही है तो आपको पता होना चाहिए कि आपका लकी नंबर कौन सा है, आपका लकी कलर कौन सा है और आपका इष्ट कौन है जिसकी पूजा वगैरह आप करके जिंदगी के अंदर बहुत तरक्की पा सकते हैं। इसके लिए बेटा आप हमारे संस्थान पर संपर्क करके
आप अपना वशिष्ठ ज्योतिष की जन्म कुंडली मंगवा सकते हैं, जिसके अंदर ये सारी चीज का विवरण बड़ा साफ पहले पेज के ऊपर ही दिया होता है। और ध्यान एक ही रखना है कि अगर ये शुरुआत की थोड़ी सी चीजें, यानी कि मकान का नंबर, आपका लकी नंबर, आपका लकी कलर कौन से आपके लिए बेस्ट है और किस तरह की आपको जिंदगी के अंदर पूजा पाठ करनी चाहिए, अगर ये तीन चीजें आप अपने पास में रखते हैं, इसका ज्ञान रखते हैं और इसके अनुसार थोड़ा सा एहतियात के साथ जीवन के अंदर चलते हैं, तो जीवन के अंदर ज्यादातर दुख आपके घर से दूर रहेंगे और सुख ज्यादा से ज्यादा आपके जीवन के अंदर आएंगे। खुश रहें। तो आज का शो देखने के बाद घर की वजह से आ रही दिक्कतों के उपाय आपको मिल गए होंगे। बस गुरुजी ने जो आपको उपाय बताए हैं, जो लक्षण आपको दिखाए हैं, उन्हें याद रखिएगा और उपाय करते जाइएगा। आपके सितारे आपका साथ जरूर देंगे। गुरुदेव, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। माता रानी सबको सुखी रखे, खुशियों बख्शे। तो आज हमने बात की एक से लेकर चार नंबर तक के घरों के बारे में। कल हम बात करेंगे पांच से नौ नंबर वाले घर आकर किस तरह के होते हैं और उनमें रहने वालों के लिए अगर कोई परेशानियां हैं तो उपाय क्या होंगे। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार।